हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए, सुरक्षित हो गए और अपने घरों में सेफ हो गए। और मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया है, लाइफ अपडेट काइंड ऑफ मेरा। तो क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बना दूं। जो मेरे मन में आता गया मैंने वो सब आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि एक होने वाली माँ की दिल की सारी बातें उसमें हैं, और जो वो फील कर रही है, एक्साइटमेंट है उसके मन में, वो सारी बात। सॉरी, बीच में कट हो गई बातें हमारी। मैसेज आ गया था एक फ्रेंड का इस चक्कर में, तो वो मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं आप सभी से बात तो कर लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आज, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने कहा चलो आज अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और वेदर बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पर। अब जितनी भी गर्मी थी, जितना मेरे को गर्मी 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 बोलना था आप सभी को, वो मैंने बोल दिया है। और आप मेरे फेस पर जो स्वेटिंग देख रहे हैं ना, वो स्वेटिंग तो थोड़ा बहुत रहेगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं पंखा बंद करके बैठ जाऊं और मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग ना हो या कुछ भी ना हो। तो ऐसा नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाते हो आप। बट अभी बारिश बंद है और अभी हवा भी नहीं चल रही है इस चक्कर में। अभी बहुत तेज़ बारिश आई थी तो मेरी बाहर की विंडो खुली रह गई थी, जिसके चलते पूरे घर में पानी पानी हो गया था। तो उसको मैंने क्लीन किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। और आज मैं कहीं जाने भी वाली थी, बट वो भी मेरा कैंसिल हो गया। और लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि मेरे डॉक्टर ने क्या बोला। आई होप आप सभी ने वो देख लिया होगा वीडियो, और देख लिया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। मैंने किया है आज ये फ्रिज को क्लीन। देखो, मैंने पानी तो लगा दिया है, लेकिन बाकी सारा सामान अभी मैस पड़ा है। ऊपर भी मैंने ऐसे ही सब सामान बस भर दिया है करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी करने में। और यहाँ पे देखो, सारा सामान अभी फैला पड़ा है, बटर भी मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बनाया था ये हलवा, यम्मी यम्मी सा कल बनाया था। और बाकी सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारे मसाले, ये मैंने धो के रखे थे, मतलब मैंने नहीं, अक्का ने धो के रखे थे। जो अक्का मेरे यहाँ बर्तन धोने आती है, उन्होंने हेल्प करी थी। तो किचन का हाल कुछ इस तरीके का हो रहा है। अभी मैं ये सारा सामान लगाऊंगी फ्रिज में। फ्रिज साफ होके कितना सुंदर लगता है ना। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है। यहाँ पर ये बटर बस जस्ट खुला हुआ रखा है, ये थोड़ा मतलब मेल्ट होने वाला है, इसलिए इसको ऐसा रखा है, वरना इसको हम कवर कर देते हैं इस तरीके से। बाकी मैं हर चीज़ फ्रिज में ढककर ही रखती हूँ, आप सभी से भी यही कहूँगी, नहीं तो वरना एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे में जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? ये ब्लॉग मैंने लास्ट शुरू किया था 2 दिन पहले, बट परसों मैं कोई ब्लॉग नहीं कर पाई थी। और उससे 1 दिन पहले जो स्टार्ट किया था मैंने, वो भी मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस दिन, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उस दिन मैंने आप सभी के साथ अपना लाइफ अपडेट भी शेयर किया था, तो उसके बाद मैं आप सभी से बात ही नहीं कर पाई।
मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया और कपड़े वॉश किए, मैंने आप सभी को दिखाया भी था, तो मैंने बताया था आपको बेबी के जो कपड़े मैंने बनाए हैं मैं उनको वॉश कर रही हूँ, सो वो सब किया था। फिर उसके बाद में मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, मेरे पेन होने लग गया था स्टमक में, और तो कई लोग कह रहे थे, मैंने बोला था उसमें कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी मेरा बेबी बम्प, बट मैं नहीं कर पाई थी उस ब्लॉग में। तो कल एक फ्रेंड का कमेंट भी आया कि आपने शेयर नहीं किया, सो मैं आज के इस ब्लॉग अभी जो ये ब्लॉग चल रहा है इसमें मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने बेबी के लिए ये बनाई है लंगोटी, बेबी के लिए इनफ है ये, सो मैंने ये खुद से बनाई है। वैसे ये लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने बनाकर भेजी थी मुझे, बट इस बार मेरी माँ तो है नहीं, सो इस चक्कर में मैंने नहीं की। तो ये तो रही बेबी की प्रिपरेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, और कुछ चीज़ें मैंने शॉपिंग की है तो वो मैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, बट इस वीडियो में मैं आप सभी से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। और भी मैंने गद्दियाँ वगैरह बनाई हैं, गद्दी तो मैंने आपको नॉर्मल होती है वो मैं भी आपको दिखा दूँगी बैक कैमरे से। सो कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, छोटी सी क्लिप भी शूट की थी, और कल मैं गई थी बिग बाज़ार शॉपिंग करने, मैंने आप सभी को बताया था मुझे राशन की प्रिपरेशन कर लाकर रखना है घर में, फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाऊँगी कुछ ही, मतलब अब आज से सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी एक महीना ही है, एक महीने के अंदर गुड न्यूज़ आ ही जाएगी, बेबी गर्ल या बॉय है जो भी है न्यूज़ मिल ही जाएगी हमको एक महीने के अंदर अंदर, एक भी दिन ऊपर नहीं एक भी दिन नीचे नहीं। तो मैं वहाँ गई थी और मैंने शॉपिंग भी कर ली थी, अपना सारा जो भी मुझे सामान लेना था वो मैंने ले लिया, फिर बस सामान को हमने बिलिंग कराई, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था वहाँ पर भी, क्योंकि बस ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी से सामान परचेज़ करो और चलो हम यहाँ से ही अपना ऑटो करके गए थे पर्सनल, सो वैसे भी हम पर्सनल करके ही जाते हैं, पर इस बार तो पूरा हायर कर लिया था कि हमको इतना टाइम लगेगा, हम ऐसे जाएंगे और आएंगे तो वैसे करके, क्योंकि जो लोग जान पहचान का है वो बंदा, तो इसलिए तो सेफ्टी रहती है ऐसे में। फिर वहाँ से जब मैं लौट रही थी, मैंने मतलब काफ़ी देर हो गई थी मैंने मोबाइल चेक नहीं किया था, तो सडनली मेरे पास नोटिफिकेशन आया, एक यूट्यूब का आया था या इंस्टाग्राम पे आया था, पता नहीं मैंने किस पे देखा था पहले, शायद इंस्टाग्राम पे देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। मैं शॉक थी, मुझे कुछ समझ नहीं, मतलब मैंने कहा कि कौन पागल है जिसने इस तरीके का वो कर दिया, सो बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा मतलब मेरे को वीडियो शो नहीं हुए, क्योंकि भाई जो मैं डेली में हम देखते हैं वही शो होता है। फिर मैंने सबसे पहले गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करके पता चला कि ये सच है, शॉक्ड, मुझे रोना आ रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, एक इतने नाम फेम सब कुछ, इतना मतलब जो उन्होंने अचीव करना था वो अचीव कर लिया, वो सब के बाद उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया, तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और जब भी मैं मतलब फिर हमने न्यूज़ चलाई तो उसमें बता रहे थे वो सब, देखते जा रहे थे देखते जा रहे थे, कब मैं हम घर पहुँचे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड कभी अलाउ नहीं करते हैं कि ऑटो में आप कोई वीडियो या कुछ भी चलाओ, बट वो भी शौक थे क्योंकि MS धोनी उनके फेवरेट थे और उनका उन्होंने बायोपिक पिक्चर बनाई थी तो वो उनके भी फेवरेट थे,
मैं जब भी उनसे बात कर रही थी, हमारी जब भी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था क्यों ऐसा क्यों कर लिया। और ये चीज़ ना सुसाइड वाला जो सीन है, ये मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत ही नियर वन और डियर वन के मतलब एक तरह से फैमिली ही समझ लो, ये चीज़ देखी है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में, बट जो बाद में फैमिली की सिचुएशन होती है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ बाप पर क्या बीतती है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ बाप मतलब उम्र उनकी आधी ही हो रह जाती है ऐसा कुछ सुन लेते हैं तो, मैंने बहुत अपनी करीबी में देखा है। मैं बताना नहीं चाहूँगी कौन है क्या है, लेकिन जो बीतती है ना वो बहुत ही ज़्यादा वो होती है, और अगर उनके बच्चे हो तो और भी ज़्यादा। मैंने अपनी ही नियर वन में देखा है ये चीज़, ये फेस किया है। उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब इतना नहीं समझ आता था, बट ये चीज़ मैंने देखी है। और उसके बाद माँ बाप का ये गिल्ट होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है। और गाइस, हमको अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों से इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, और उनको मतलब थोड़ा वो देना चाहिए कि बच्चा आपके साथ शेयर करे, और कोई भी उसको फ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने फ्रेंड को अपने माँ बाप में ही देखे। आप अपने बच्चों का दोस्त बनिए, और बच्चे भी ये चीज़ ना सोचें। हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं क्यों अपने माँ बाप को परेशान करना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमको अपने माँ बाप के साथ ही, माँ बाप से सगा कोई नहीं होता है, माँ बाप भाई बहन इन सब से ही आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो पेन बहुत और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है माँ बाप को झेलना कि उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया या इस तरीके का कुछ कदम उठा लिया। आज की डेट में सब कह रहे हैं सुशांत के लिए कि हमसे बात कर लेते, हमसे बात कर लेते, लेकिन जब इंसान सही होता है, जब वो काम कुछ नहीं कर रहा होता है तो उसकी हालचाल भी लेना कोई वाजिब समझता है। और जो मेंटल डिप्रेशन और मेंटली जो टॉर्चर हैरिस ये समाज करता है ना, बहुत गंदा करता है। इस चीज़ का शिकार मैं भी हुई हूँ, बहुत लोगों ने मेंटली हैरेस किया है, और क्या कहते हैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। वहाँ पर मैंने देखा कि आपके माँ बाप के सिवा आपका कोई सगा नहीं होता है, भले ही रिश्तेदार फ्रेंड्स कितने भी सगे हों, और फ्रेंड्स के साथ तो कभी भी आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ही वो होते हैं जो पीछे से छुरा भोंकते हैं। मैंने तो ऐसा ही एक्सपीरियंस किया है, ऐसे ही फ्रेंड्स होते हैं, कोई सगा नहीं होता, सब आपको यूज़ करने के लिए ही होते हैं, आपको यूज़ करके और फेंक देंगे। बहुत 1% 100 में से 1% बंदा कोई ऐसे होते होंगे कि उनको सच्चा दोस्त मिलता होगा, उनके सुख दुख का साथी होता होगा। मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी है। सो हमको खासकर जो दोस्त के रूप में और रिश्तेदारों के रूप में जो भैरूपीय होते हैं ना, उन लोगों से बचकर रहना चाहिए। कभी कभी वही आपके डिप्रेशन का कारण बनते हैं। आपके माँ बाप से सगा, आपके भाई बहन से सगा कोई नहीं हो सकता, और आपके शादी
हो गई हो तो आपके पार्टनर से सगा कोई नहीं हो सकता। ये अवेयरनेस आप लोग भी फैलाइएगा, कभी भी किसी पर विश्वास मत करिए, कभी भी किसी पर इतना ट्रस्ट मत करिए कि आप खुद ही टूट जाओ, आप खुद ही इतना डिप्रेशन में चले जाओ। आई डोंट नो मैंने क्या बोला है इस वीडियो में, मैंने जो फील कर रही हूँ ना, मैं पता नहीं आप सभी के साथ एक्सप्लेन भी कर पाई हूँ कि नहीं। ये मैं पिछले जो ब्लॉग था उसके आगे ही ये इंक्लूड कर दूंगी, और मैं आप सभी को दिखाती हूँ जो मैंने खुद से बनाई है गद्दी, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। डोंट ट्रस्ट एनी वन, मतलब आप, मैं तो यही कहूँगी, आपकी पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आप ये मत सोचो कि आप उनको दुख दे रहे हो, आप उनके साथ आपकी बातें शेयर करके आप उनको और अपने क्लोज ला रहे हो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम परेशान हैं तो अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं, आपके माँ बाप से सगा आपका कोई नहीं हो सकता। आप अपने माँ बाप के साथ आपकी बातें शेयर करो, आप उनको अपने दुख में, आपके सुख में, हर चीज़ में इंक्लूड करो, उनसे बढ़कर, मतलब उनसे वो ही आपके अपने होते हैं। और आप कहो कि आपके दोस्त अपने हैं या और कोई रिश्तेदार अपना है, वो नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मेरे साथ इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं तो बस यही आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका पार्टनर, आपके ब्रदर सिस्टर और आपके पेरेंट्स, इनके अलावा कोई आपका सगा नहीं होता है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। कितने भी सगे रिलेटिव हों, कोई अपना नहीं होता, मामा मामी चाचा चाची बुआ फूफा, कोई नहीं होता है आपका अपना, सब टोंट मारते हैं, सब आपको डिप्रेस करते हैं, कोई नहीं देखता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं देखता, सिर्फ मजाक उड़ाते हैं अगर उनको किसी भी तरह सिचुएशन आपकी पता चल जाए तो। बस बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जिनके ये लोग भी वेल विशर्स होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं उससे पहले आप सभी को दिखाती हूँ जो मैंने गद्दी बनाई है बेबी के लिए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाती हूँ जो मैंने गद्दी बनाई है खुद से। ये एक आपने मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा भी होगा, मैंने, मेरे पास ये चादर थी, इस तरीके से मैंने इसको ये ट्रिपल फोल्ड किया और उससे मैंने ये गद्दी बनाई है। काफ़ी बड़ी है बच्चे के हिसाब से, और इसकी और तीन मैंने ऐसे बनाई हैं जो कि चौपर्त करके बनाई हैं, और तीन मैंने ऐसे बनाई हैं जो तीन फोल्ड में बनाई हैं, तो इस तरीके से छह बनी हैं। और ये मैंने थोड़ा बड़ी साइज़ में बनाई है, ये भी चादर थी बट ये शायद आपने नहीं देखी होगी, ये मैंने डबल फोल्ड में बनाई है, ये थोड़ा हल्की रहेगी। अब जैसे बेबी को उड़ाना भी है, थोड़ा मौसम ठंडा है तो आप उड़ा सकते हो, क्योंकि ये बड़ी भी काफ़ी सारी है, और कुछ टाइम तक ऐसा हमारे यहाँ होता है कि मतलब आप बेबी को ना, मतलब नया कपड़ा नहीं पहना सकते, तो उस टाइम तक के लिए ये हैं। फिर तो जैसे नीड रहेगी वैसे मैं मंगाती रहूँगी। और ये लंगोटी कैसी लगी आपको, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसके लिए एक लाइक तो कर देना कि ये मैंने खुद से बनाई है। यही सब प्रिपरेशन है, और मैंने बाहर से क्या ऑर्डर किया है, क्या सामान मैंने मंगाया है, वो मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में
शेयर कर दूंगी। ये कुछ चीज थी जो मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। मैं कभी कभी मतलब मुझे ना बहुत पसंद था सुशांत सिंह राजपूत। मैं पिक्चरें इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन MS धोनी मैंने उसके लिए देखी। उसकी जितनी भी पिक्चरें आई हैं वो मैंने उसके लिए देखी। छिछोरे मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो श्रद्धा कपूर और भी जितने भी थे मैंने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए देखी थी। उसके फेस की जो स्माइल है ना, वो दिमाग में आती है, और जब भी उसके बारे में बात चलती है तो सिर्फ यही चीज़ दिमाग में आती है, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकता। सो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।